हर कोई अमीर तो बनना चाहता है, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें लगता है कि लोग अमीर किसी तरह के चमत्कार से बनते हैं। अचानक एक दिन भगवान हमसे खुश होंगे और हमारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज मैं आपको थोड़ा सा निराश करने आया हूँ कि ऐसा नहीं है, पर साथ ही मैं आपके लिए एक अच्छी खबर भी लेकर आया हूँ। मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपको अमीर बनने में मदद ज़रूर करेंगे। इनमें से कुछ टिप्स बोरिंग ज़रूर लगेंगे क्योंकि ये किसी न किसी तरह डिसिप्लिन से कनेक्टेड हैं, बट मेरी बात मानिए, डिसिप्लिन और हार्डवर्क इज़ अ श्योर शॉर्ट वे टू बीइंग रिच। इनफैक्ट मेरी जो लास्ट टिप है वो एक चमत्कार की तरह ही काम करती है। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डू टेक अ सेकेंड टू सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज। हमारे क्लाइंट्स अब अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स हमारे ऐप ZFunds के थ्रू कर सकते हैं। इस ऐप पर अपने इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है। ऑलरेडी 12,000 से ज़्यादा कस्टमर्स के ट्रांजेक्शन्स हमारे ऐप के थ्रू लग रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में किसी भी तरह की मदद चाहते हो, प्लीज़ कनेक्ट विद अस ओवर व्हाट्सएप ऑन 7217746224 और हमारी एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं हूँ गौरव सेठ और आप देख रहे हैं ZFunds। तो जैसा मैंने बताया कि आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आपको अमीर बनने में मदद करेंगे। ये सारे तो टिप्स हैं जो कि स्टेप्स की तरह काम करते हैं टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, पर जो 7th पॉइंट है अमीर बनने के लिए वो असली जादू की छड़ी है। तो आइए बिना किसी देर के इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथली बजट के बारे में। हम सभी का एक मंथली बजट ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या फिर सर्विस में हो, आपका मंथली बजट होना ही चाहिए। हम सबको ही पता होता है कि हमारी मंथली इनकम कितनी है और साथ ही ये भी पता होता है कि जो ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, जैसे कि घर का राशन, यूटिलिटी बिल्स, बच्चों की फीस एक्सेट्रा। तो ये सारी ज़रूरी एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें हर महीने एक मंथली बजट बना लेना चाहिए। और बजट बनाते वक्त एक चीज़ जिसको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि जो भी अवॉइडेबल एक्सपेंसेस हो हमारे, उन्हें हटा देना चाहिए। बजट बनाने का एक और बेनिफिट ये होता है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हम रेगुलर बेसिस पर बचा कर निवेश कर सकते हैं। उस निवेश की राशि को भी बजट में जोड़ लीजिए और उससे चूकिए मत। सेकंड टिप है टू अवॉइड लोन्स एंड EMIs। लोन्स और EMIs को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। आजकल इतनी आसानी से लोन मिलने लगे हैं और चीज़ों की EMIs बन जाती हैं, जिस वजह से हम लोग ऐसी चीज़ें भी ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती या फिर हमारे बजट के बाहर होती हैं। इनफैक्ट ये गलती करते मैं भी कई बार बचाऊँ। अमेज़ॉन पर शॉपिंग करते वक्त EMI का ऑप्शन दिखता है और मन तो करता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी ले लूँ, पर थैंकफुली अपना ये वाला टिप याद आ जाता है। लोन पर कुछ लेने से बेटर है कि उसके लिए सही तरह से प्लानिंग कीजिए और थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके रकम जोड़ लीजिए। इनफैक्ट मैंने अपनी नई गाड़ी इसी तरह ली, 2 सालों के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स 3-5 वर्किंग डेज में आपसे संपर्क करेंगे। थर्ड टिप रिच बनने के लिए है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। जैसे हमने मंथली बजट वाले पॉइंट में बोला था कि कुछ एक्सपेंसेस अचानक से आ जाते हैं, तो एक जो ऐसा अनफोर्सीन एक्सपेंस है वो हेल्थ इश्यूज को लेकर आता है। अगर हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस बेकार की चीज़ है, बट इन केस कुछ दिक्कत आती है तब सोचते हैं कि काश हमने भी इंश्योरेंस ले रखा होता। हम देख ही रहे हैं कि किस तरह हर चीज़ की प्राइसेस कितनी बढ़ती जा रही हैं। सिमिलरली मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। नेक्स्ट टिप है इमरजेंसी सेविंग्स ही। चाहे हमारा अपना बिजनेस हो या फिर हम एम्प्लॉयड हों, हमारे पास इमरजेंसी सेविंग ज़रूर होनी चाहिए। और कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन के बाद तो सबको इसकी नीड और इम्पॉर्टेंस पता भी चल गई है। हमारा मानना है कि हर इंडिविजुअल के पास उनके मंथली इनकम का कम से कम 4-5 times की इमरजेंसी सेविंग्स तो होनी ही चाहिए। 4-5 times इसलिए कि इनकेस किसी की जॉब चली जाए या बिजनेस बंद हो जाए या फिर लॉकडाउन जैसे सिचुएशन आ जाए, तो कम से कम 4-5 महीने की तो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। अगर ऐसा प्रोविजन नहीं रखते हम तो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना पड़ सकता है। हमारे बहुत से क्लाइंट्स पूछते हैं कि इमरजेंसी सेविंग्स को रखें कहाँ पर, तो म्यूचुअल फंड्स में इसका एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, वो है लिक्विड फंड्स का। लिक्विड फंड्स जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होते हैं।
आप अपनी इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट वर्किंग डे पर ही अपने बैंक के खाते में ले सकते हैं। अगर इनके रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क काफ़ी लो होता है और रिटर्न्स ये सेविंग्स अकाउंट से बेटर ही देते हैं। अगला टिप है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी तक के बताए गए टिप्स से तो आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएंगे, पर अगर रिच बनना है तो इन्वेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सेविंग करने से कुछ नहीं होगा, जो भी हम सेव करेंगे उसको किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम अपनी सेविंग्स पर एक अच्छा रिटर्न कमा पाएं। एक बहुत ही बढ़िया कहावत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसों से भी काम करवाना पड़ेगा, यानी कि अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो कि आपको बढ़िया रिटर्न्स दें। कई सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्ट करने के लिए, पर हर एक का रिटर्न और रिस्क कैरेक्टरिस्टिक अलग है। ये ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। हमारी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करके ही इन्वेस्टमेंट्स करें। आप हमें 7217746224 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सी है। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है टैक्स प्लानिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्स प्लानिंग अमीर बनने में कैसे मदद करेगा। मैं बताता हूँ, अगर आप कुछ ना कुछ टैक्स पे कर रहे हैं तो सोच कर देखें कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके उस टैक्स को बचा पाएं, अगर उसके ऊपर से जो आप इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको रिटर्न भी मिले तो कैसा रहेगा। मतलब कि दो बेनिफिट्स हुए, पहला तो कि आप जो टैक्स सेव करोगे वो अमाउंट आपके पास ही रहेगा, और दूसरा कि उस अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे तो उस पर आपको रिटर्न भी मिलेगा। पर बात आती है कि टैक्स सेव कैसे करें। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको टैक्स डिडक्शन देते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स एंड मेनी मोर। पर सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी लंबा लॉक इन पीरियड होता है, 5 से 15 सालों का, प्लस इनमें रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। पर जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी है ELSS फंड्स की, जो कि बाकी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरह ही टैक्स सेव करने में हेल्प करती है। पर इसकी खास बात जो इसे बाकियों से अलग बनाती है वो ये है कि इसमें सबसे छोटा लॉक इन पीरियड होता है, सिर्फ 3 सालों का, और इसमें रिटर्न पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा ही होता है। आप इसमें इन्वेस्ट करके हर साल 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर रिटर्न पोटेंशियल की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये एवरेज में 10 से 14% का भी रिटर्न दे सकता है। आप ELSS फंड्स में और दूसरे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बात करते हैं 7th और लास्ट टिप के बारे में। वैसे तो ये हमारी 7th टिप है, पर इसको आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा है। हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग का सिंपल सा मतलब है कि रिटर्न या इंटरेस्ट पर भी रिटर्न या इंटरेस्ट कमाना। कंपाउंडिंग को मैं एक बहुत ही सिंपल से और बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पर सिर्फ 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ आपको रोज 100% रिटर्न मिले, यानी अगले दिन आपका पैसा डबल। मतलब आपने पहले दिन 1 रुपया इन्वेस्ट किया, वो दूसरे दिन 2 रुपये बन गए, तीसरे दिन 4 रुपये, चौथे दिन 8 रुपये, ऐसे करते करते हर सेकेंड डे पर डबल। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पास 1 रुपये की कीमत सिर्फ 31 दिनों में कितनी हो जाएगी। आपके 1 रुपये की वैल्यू 31 दिनों में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ, 100 करोड़ से भी ज़्यादा। ये है कंपाउंडिंग का कमाल, और इसी वजह से कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है अच्छा रिटर्न कमाना, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना, यानी लंबे समय के लिए बने रहना। तो अमीर बनने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो इक्विटी से बेटर ऑप्शन शायद ही कोई और है। तो ये थे 7 टिप्स जो कि आपको अच्छे फाइनेंशियल प्लान बनाने में मदद करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनाने में भी। अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाने में कोई भी मदद चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 एंड एन एक्सपर्ट विल गेट बैक टू यू। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि हम व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। मैसेजेस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लो होने के कारण कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है रिप्लाई करने में। प्लीज़ बी श्योर वी विल रिस्पॉन्ड इन 3 to 5 working days। जैसा मैंने वीडियो में बताया कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो आप इन दोनों में ही हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी ओपन एंडेड स्कीम में हमारे ऐप जेड फंड से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको डेली SIP का भी ऑप्शन मिलता है इन 15 different म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम 3 leading फंड हाउसेज इन इंडिया। डेली SIPs 100 रुपये प्रतिदिन से स्टार्ट हो जाती हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप अपने गोल्ड के ट्रांजैक्शंस भी हमारे ऐप पर कर सकते हैं। अब आप हमारे ऐप से 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपये से।
तो अभी हमारा ऐप ZFunds डाउनलोड करें और अपने ट्रांजैक्शन शुरू करें। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिजिटल गोल्ड पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके इस वीडियो को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ZFunds।